हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। सो इस वीडियो को पूरा देखना। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो इंक्रीज हो जाएगा। पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक्स भी डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आजकल मेरे कुछ बच्चों से बात हो रही है क्योंकि उनका प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो रहा है। तो प्री बोर्ड एग्ज़ाम जिनका भी बच्चा हो रहा है, वो मेरे को पेपर सेंड कर रहे हैं और बोल रहे हैं, सर हमारा जो केस स्टडी का प्रॉब्लम है वो सर हम ढंग से नहीं कर पा रहे, हमें बहुत डर लग रहा है केस स्टडी प्रॉब्लम से। तो सबसे पहली बात तो ये, जो CBSE ने एक नया इंट्रोड्यूस किया केस स्टडी प्रॉब्लम, बच्चे इसको लेके बहुत ज़्यादा हवा में हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि चार चैप्टर जहाँ से केस स्टडी की प्रॉब्लम बनेंगे, वो चार चैप्टर कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको चैप्टर पता होना चाहिए कि भैया किस चैप्टर से हमारा केस स्टडी का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। किस पहला जो चैप्टर आपका है वो है पॉलीनोमियल, ठीक है, पॉलीनोमियल चैप्टर। सेकंड जो चैप्टर आपका आएगा वो है ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल। थर्ड जो चैप्टर है वो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड चौथा जो चैप्टर है वो आपका स्टैटिस्टिक्स। ये चार चैप्टर हैं आपके पास, इन चार चैप्टर से ही केस स्टडी के प्रॉब्लम बनेंगे। शायद प्रोबेबिलिटी का आ सकता है बेसिक वालों के लिए, लेकिन ये चार चैप्टर तो फिक्स है। क्योंकि देखो, सबसे मेन चीज़ होती है CBSE ने जो अपना ऑफिशियल सैम्पल पेपर निकालता है बेटा, वो क्वेश्चन देखो, उसी लेवल का क्वेश्चन ही आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आपने CBSE के जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर के क्वेश्चन आपको आते हैं तो आप ज़रूर बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे, क्योंकि उसी टाइप का ही आएगा। और इन सब की प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं केस स्टडी प्रॉब्लम पर। अभी टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करूँगा तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये डायलॉग आपने सुना है ना, तो उन वीडियोज़ को देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी मैं और वीडियोज़ लाऊँगा जिनसे हमारी प्रैक्टिस और अच्छी होगी। अब हम बात करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स की कि क्या करना चाहिए हमें। सबसे पहली चीज़ होती है, मैं हमेशा बोलता हुआ आ रहा हूँ, कॉन्सेप्ट इज़ द किंग। मेरा डायलॉग ही है, आपका भी होना चाहिए। देखो, जब बेटा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो आपकी हर चीज़ आपको मक्खन लगेगी। सबसे पहले चीज़, जो केस स्टडी वाले प्रॉब्लम है ना, उसमें बहुत सारा कुछ लिखा हुआ होता है। सो एक टिप्स मैं दूंगा, एक बार के लिए ना जो रामायण लिखी हुई है ऊपर बहुत सारा लंबा चौड़ा, उसे स्किप करके आप क्वेश्चन में आ सकते हो। क्वेश्चन में घुसो, जो पांच पार्ट आपको दे रखे हैं, उन पांच पार्ट में जैसे आप पढ़ोगे क्वेश्चन, तो आपको लगेगा कि फालतू में ही मैंने उतना टाइम ऊपर पढ़ के वेस्ट कर दिया। इससे अच्छा क्या है, क्वेश्चन पे आ जाओ डायरेक्ट। अगर आपको लगे कि भाई ये इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे ऊपर पढ़ना पड़ेगा, तो पहले पढ़ो, ठीक है, फिर जाके पढ़ो। लेकिन कई बार आप बहुत सारा पढ़ते रहोगे क्योंकि बहुत लेंथी वर्ड्स में लिखा हुआ होता है, और फिर बोलोगे यार ये सब तो मैंने पढ़ के टाइम वेस्ट ही कर दिया, 2 मिनट मेरे बेकार हो गए, ठीक है। सो अच्छा ये होगा कि पहले क्वेश्चन पे मूव करो। क्वेश्चन आपको बोलेगा भाई मैं ऐसे नहीं सॉल्व होऊंगा, तुझे पहले स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी, तब जाके स्टेटमेंट पढ़ो, नहीं तो कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। अब ये चैप्टर में एक एक चैप्टर की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको। पॉलीनोमियल की अगर मैं बात करूँ, तो पॉलीनोमियल में इस बार का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो है पैराबोला, ठीक है, कितने जीरोस होंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस। हर चैप्टर का अगर फुल कॉन्सेप्ट आपको आता है ना, मेरी गारंटी है आपको किसी भी चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके केस स्टडी प्रॉब्लम बनेंगे, चाहे आप स्टैंडर्ड हो चाहे आपके बेसिक हो, आप आराम से करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये जो पैराबोला कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये होता है, y x = इस फॉर्म में होता है, ax² + bx + c, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है। पैराबोला के कई सारे टाइप्स होते हैं, वो फ्यूचर में पढ़ोगे क्लास 11th में, फिलहाल ये होता है पैरा। पॉलीनोमियल में क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, क्यूबिक पॉलीनोमियल, इस टाइप के क्वेश्चन रिलेटेड देगा, कितने जीरोज होने चाहिए, ठीक है, कौन सा इसका जीरोज होगा या नहीं होगा। CBSE का ऑफिशियल मैंने सैम्पल पेपर करा रखा है ना, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, उसको ज़रूर देख लो। फिर मैं अगर बात करूँ ट्रायंगल चैप्टर में कैसे प्रॉब्लम पूछे जाएंगे, दो ट्रायंगल सिमिलर होगा उस पर बेस्ड क्वेश्चन देगा। दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं उस पर बेस्ड आपको एक लेंथ के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, एक रेशियो दे देगा तो दूसरे में क्या होगा, या फिर रेशियो दे दिया है तो उस एरिया का रेशियो क्या होगा। CBSE के ऑफिशियल से ज़रूर देखना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसा प्रॉब्लम आएगा, सेक्शन वाला,
या फिर पॉइंट्स निकालने होंगे, ठीक है, पॉइंट्स पता करना होगा कि ऊपर से मेजर करोगे तो क्या होगा, अगर ए को हम सेंटर मान लें तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, इसकी और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट पे हम जाएंगे तो हमें कौन से जगह पे ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। सो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड सेक्शन फार्मूला, ये दो कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ट्राइंगल्स में दो ट्राइंगल के सिमिलर क्राइटेरिया पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अधिकतर, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स में मीन, ठीक है, मीन मोड मीडियन मोड, ठीक है, इस टाइप के जो छोटे छोटे सिंपल प्रॉब्लम है वो पूछ जाएंगे कि भाई इसमें मोड, ठीक है, इंटरवल कौन सा होगा, ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सम क्या होगा, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम पूछ जाएंगे। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि ये कोई हवा नहीं है, अगर आपने मन में बिठा लिया है कि बहुत टफ है बहुत टफ है तो आपको हमेशा टफ लगेगा। अगर मैं आप जड़ी बूटी घोल लगा भी पिला दूँ तो भी आपको टफ ही लगेगा। वाकई में कोई टफ टफ नहीं है, सारा प्रॉपर कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ के आए हो पढ़ रहे हो उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, कहीं बाहर से कुछ नहीं आएगा। पॉलीनोमियल है तो पॉलीनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे, सम ऑफ जीरोज, जीरोज क्या होगा, ये इसका जीरोज है या नहीं है, ट्राइंगल्स है तो ये ट्राइंगल इसका सिमिलर होगा या नहीं होगा, सिमिलर है फिर साइड का रेशियो दे देगा आपको, ठीक है, दूसरी लेंथ फाइंड करनी होगी, किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बन रहा है वो पूछ सकता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे मैं बोल चुका हूँ, ठीक है, दो दो पॉइंट्स, ये पॉइंट यहाँ है यहाँ है वहाँ है, ये पॉइंट क्या होगा, इसको सेंटर मान लोगे तो वो क्या होगा, ये पॉइंट यहाँ रखा है और एक पॉइंट यहाँ रखा है, किसकी भी इसकी ज़्यादा किसको ज़्यादा टाइम लगेगा आने में, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। स्टैटिक्स में एक मीन दे देगा, इसकी मीन क्या होगी, इसका मोड क्या होगा, ठीक है, इसका मीन क्या होगा, इसमें अननोन वेरिएबल एफ दे देगा तो उसमें ये क्या होगा। तो कुल मिला के प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, और आपने सैम्पल वर्क ऑलरेडी खरीद रखे होंगे तो उसमें भी बहुत सारे दे रखे हैं, उनको प्रैक्टिस करो। मैं भी करा रहा हूँ, आपने भी सैम्पल वर्क खरीद रखे उनको भी खुद से करो, क्योंकि प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तभी थोड़ा थोड़ा आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। और डरना नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं डरना, डरोगे तो वो डर आप पे हावी हो जाएगा। और सैम्पल पेपर लगा हुआ भी अभी जो टाइम है वो सैम्पल पेपर लगाने का है, तो केस स्टडी प्रॉब्लम पे आप वर्क करो। मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम करा रखे हैं, ठीक है। आप जितने भी वीडियोस देखोगे आप तो आपको इन्हीं टॉपिक से ही क्वेश्चंस मिल रहे हैं, सब मिलते जुलते हैं। थोड़ा सा फिगर विगर जो माहौल है सिचुएशन थोड़ा सा बदलने की कोशिश की गई है, माहौल बदला गया है लेकिन क्वेश्चन उसी टाइप का ही मिलेगा आपको हर बार, है ना। सो डरो मत, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की मैंने लिंक्स डाल दिए डिस्क्रिप्शन में, उसको चेक करो, अभी और वीडियोज़ आएंगी उनको देखो, खुद भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।